प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह से ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि सीधी गुना किए बिना, मतलब आपको सीधी डायरेक्ट जैसे आप दूसरी क्लास से गुना करके आ रहे हैं उस तरह से गुना नहीं करनी है, निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करने हैं, ये तीन पार्ट हमें दिए हुए हैं। अब देखो, इसकी गुना तो हम सीधी कर सकते हैं, जैसे दूसरी क्लास से हम सीखने लग जाते हैं, कह रहे हैं कि डायरेक्ट नहीं करनी, इनका मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या यूज करना है, या फिर दूसरा इस क्वेश्चन को कैसे कह सकता था कि उपयुक्त सर्वसामिका का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चों, यहां पे ये बताया जा रहा है कि देखो ये हमारे पास बहुपद है, तो यहां पे ये कह रहा है कि संख्याओं पे भी आप ये आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हैं। तो संख्याओं की जब आप गुणा करते हैं तो इन आइडेंटिटीज को कैसे अप्लाई करते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो हमें गुणा करनी है 103 की और 107 की। तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 100 जमा 3 गुना, इसको लिख दिया 100 जमा 7, 100 जमा 3 गुना 100 जमा 7। अब देखो x प्लस ए गुना एक्स प्लस बी, ये वाली सर्वसामी का प्रयोग हो रहा है, लिख देंगे कि सर्वसामी का एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी का प्रयोग करके। अब देखो x की जगह पे कितना आ जाएगा 100, a की जगह पे कितना आ जाएगा 3 और b की जगह पे कितना आ जाएगा x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो x की जगह पे 100, a की जगह पे 3 और b की जगह पे 7। तो ये हो जाएगा 100 जमा 3 और ये 100 जमा 7, ये 100 का स्क्वायर हो गया प्लस a का मान 3 b का मान 7 और गुना में x का मान 100 प्लस 3 गुना में 7। अब यहां से देखो ये 103 हो गए गुना में 107 हो गए, यहां पे इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब 100 की 100 के साथ गुना करनी है, हमें 100 की 100 के साथ गुना करनी है, 3 और 7 10 हो जाएंगे, 10 गुना में 100 और 7 दिया 21, ये हमारे पास 100 की 100 के साथ करेंगे 10,000 और ये हमारे पास 1,000 आ गए प्लस 21, तो इन तीनों को जोड़ देंगे 10,000 और 11,000, तो 11,021 ये हमारे पास इसका आंसर है, इनको जोड़ने से ये आंसर मिल गया। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप वैसे ही जांच कर सकते हैं, आप इनकी गुणा कर देना 103 की और 107 की गुणा कर ले, 107 की 103 के साथ गुणा करके देख ले आपका आंसर सही है, 3×7=21 और ये 3×3। अब ये 0 के लिए तो 0 ही रहेगा, ये 7, ये 0 और ये डबल है, तो ये हमारे पास 7, 0 और ये 1, 1, 2, 10 से 0 और ये 1 और 1, तो ये हमारे पास आंसर। अब इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास पार्ट 1। ठीक इसी तरह से पार्ट सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट सेकंड में है हमारे पास 95 गुना में 96, हमने इसको लिख दिया 100-5 गुना में 100-4, 95 और ये 96। अब देखो x-a x-b, तो इसको तो हम प्लस मान लेंगे, तो ए का मान -5 ले लेंगे, तो यहां से इस तरीके से हो गई हमारे पास। अब यही सर्वसामिका यूज हो जाएगी ना हमारे पास, यही सर्वसामिका हमारे पास यूज हो जाएगी। अब देखो कैसे यूज करेंगे इसको, आप इसको कैसे करेंगे, यहां पे ए का मान कितना हो गया, सॉरी एक्स का मान कितना हो गया, यहां पे एक्स का मान तो 100 हो गया, सर्वसामिका यही रही, ए का मान कितना आ गया
माइनस पांच और बी का मान कितना आ गया माइनस चार। तो रख दे इसमें 100 माइनस पांच और ये 100 माइनस चार इसका स्क्वायर हो जाएगा 100 का प्लस ए का मान माइनस पांच बी का मान माइनस चार गुना में एक्स तो 100 ही है प्लस माइनस पांच गुना में माइनस चार। अब ये हमारे पास 95 आ गया गुना और ये 96 तो ये 10,000 हो जाएंगे हमारे पास 100 की 100 के साथ करेंगे। माइनस पांच और माइनस चार माइनस नौ की 100 के साथ करेंगे तो माइनस 900 माइनस पांच की माइनस चार के साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 × 20 तो 95 गुना में 96 ये 10,000 10,000 20 तो ये हो गए और इसमें से 900 माइनस करने हैं। ये पहले 10,000 में से 900 माइनस कर लेते 10,000 में से 1,000 माइनस होते तो 9,000 रहते। अब ये 900 है तो 9,100 बचेंगे यानी कि 9,100 बचेंगे और 20 ये हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 9,120 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको पूरा करना चाहते हो डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिखना चाहते आपको दिक्कत आती है तो पहले इन दोनों को प्लस कर लो या इसमें से या माइनस कर लो फिर इसमें प्लस कर लो आपकी मर्जी है बहुत सारे। तो बेटर तो यही है कि 10,000 में 20 जोड़े तो 10,020 और माइनस के 900 तो 10,020 में से फिर हमें 900 माइनस करने हैं 0, 2, 1, 9 और ये 0 तो ये हो जाएगा 9,120 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप इस आंसर को चेक करना चाहते हो तो 96 की 95 के साथ गुना कर दें 5×6 = 30 0, 3 5×9 = 45 और 3×8 = 48 9×6 = 54 5×81 और 5×86 0×8 = 12 2 10×11 = 1 तो ये हमारे पास आ गया 9,120। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो आप चाहो तो इसको आप चाहो तो 100-5 और 100-6 लिखने की बजाय 90+5 और 90+6 भी लिख सकते हैं। अब अगर ऐसे करें तो हमारा x का मान कितना हो गया 90 a का मान कितना हो गया 5 और b का मान कितना हो गया 6 आपके पास सारे प्लस के आ गए तो रख दो इसमें तो 90+5 और ये 90+6 ये 90 का स्क्वायर प्लस 5+6 गुना में 90 और प्लस 5 गुना में 6 तो ये 95 हो गया और ये 96 90 के साथ नेम नेम 81 पीछे 2 जीरो लग जाएंगे प्लस 6 और 5 = 11 11×90 के साथ करेंगे तो 11×9 के साथ 11×99 पीछे 0 लगे प्लस 5×6 = 30 तो 95 गुना में 96 तो यहां पे 81 00 990 और 30 इनको प्लस करना है 0 9×3 = 12 2 1 9×10 = 11 1 और ये 9 तो ये आ गया 9,120 ये हमारे पास आंसर आ गया। आप अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो बल्कि आपको ये ज्यादा आसान लग हो गया क्योंकि उसमें थोड़ा माइनस का चक्कर पड़ता है तो आपकी मर्जी है ये करना चाहे तो ये कर सकते हैं उस तरीके से करना चाहे तो उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ प्यारे बच्चे देखो तीसरे पार्ट में क्या किया एक 100 से ऊपर का ले लिया और एक 100 से नीचे का ले लिया। अब यहां से हम इसको लिख देंगे 100+4 गुना में इसको लिख देंगे 100-4 ऐसे लिख दिया। अब देखो a+b a-b यही तो हो गया सर्वसमिका कौन सी x+y x-y बराबर है x²-y² ये लिखी तो इस तरह से जाती है लेकिन यूज उसके रिवर्स होती है ज्यादातर यानी कि ये दिए होंगे आपको ऐसा मानना है आपको यहां पे तो हम इसको
हमने लिख दिया इसको। अब x का मान कितना है 100, a का मान कितना है 4, बस दो ही है इसमें, इसमें तो माइनस का ही फर्क है बस, है तो दोनों एक जैसे, तो ये बन जाएगी, तो ये 100 जमा 4 और ये 100 माइनस 4 कितना बन जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 जमा 4 104, 100 माइनस 4 96, 100 की 100 के साथ करेंगे तो 10000 माइनस 4 चौके 16। अब आप इसमें से ये माइनस कर दो, 104 96 किसके बराबर हो जाएगा, इसमें से 16 माइनस कर दिया, इसमें से 10 माइनस करेंगे तो हम 9990, लेकिन हमें माइनस करने हैं 16, तो इसमें से 6 और कम करने पड़ेंगे, तो 9984 रह जाएगा ये हमारे पास। चेक करते हैं, 104 की गुना करनी है हमें 96 के साथ, 6 चौके 24, 6 एकम 6, 9 चौके 36, 9 एकम 9, 4, 8, 9 और 9, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि किस तरह से हम कि बीजीय सर्वसामयिकाओं का प्रयोग करके अकेली दो संख्याओं की उपयुक्त सर्वसामयिका का प्रयोग करके गुना कितनी आसानी से कर सकते हैं। अब देखो यहां से अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो तो कितनी सिंपल सी कैलकुलेशन बनी, 100 और 4 104 हो गए, और 100 माइनस 4 ये हमारे पास 96 हो गए, और अगर हम इसको देखें तो हमें सिंपली ये लिखना पड़ा, हमने सर्वसामयिका का प्रयोग किया तो 100 का स्क्वायर 10000 हो गया, 10000 में से 4 का स्क्वायर 16 इसमें से माइनस कर दिया, 10000 में से 16 माइनस करके हमारे पास आंसर आ गया। तो कह रहे बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। थैंक यू वेरी मच।